संस्कृति ज्वेलर्स तीन बत्ती 18-20-22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, पता है गौर मूर्ति के पास, तीन बत्ती सागर। वरिष्ठता और पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर सागर में शिक्षक लामबंद हो गए हैं। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले शिक्षकों का प्रांतीय अधिवेशन सागर के रविन्द्र भवन में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि संघ की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी शिवान ने कहा कि हम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पेन पेंसिल चौक डस्टर हमारी धार है, जिसे रहने दिया जाए, हमें सड़कों पर ना आने दिया जाए। अगर सरकार हमारे साथ है तो हम उसके साथ हैं। उन्होंने विकल्प व संकल्प की भी बात कही। क्योंकि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अध्यापक संवर्ग जो है और अन्य कर्मचारी संगठन जो है, इनकी पुरानी पेंशन जो है वो 2005 से बंद कर दी गई है। लेकिन अध्यापक संवर्ग की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि 2018 में हम लोगों को नए शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति दी गई, जिससे हमारी जो वरिष्ठता है वो शून्य हो चुकी है। तो जब तक हमारी वरिष्ठता नहीं होगी, तब तक हमें पुरानी पेंशन या अन्य जो लाभ हमें मिलते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इन सब बातों को देखते हुए हम विगत 4 सालों से अलग अलग मंचों और अलग अलग बैनरों के माध्यम से हम सब जो हैं अपनी बात को उठा रहे हैं। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक शायद हम लोगों की बात पहुँच नहीं पा रही है, इस हेतु हम लोगों को ये अधिवेशन रखना पड़ा, और जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जो बहाल करनी चाहिए। ये तो निश्चित बनी बात है कि यही एक समय और एक मौका होता है कि हर कर्मचारी, हर विभाग का कर्मचारी अपनी बातों को बताने के लिए या बोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। और हमारा जो संघर्ष है वो आज का संघर्ष नहीं है, हम लोग विगत जो है 98-97 से संघर्ष करते आ रहे हैं। और इसके लिए बताने की आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है कि जिस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो तख्त भी पलटा है और गद्दियाँ भी छीनी हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है, यदि अन्य इतने प्रकार के चीज़ें बुला कर यदि सबको बांट रही है तो फिर अध्यापक संवर्ग से उनका क्या गुरेज है या क्या तकलीफ है जो उसे वो देने से वंचित रहे। मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि वही हमारे नेता हैं और हम सब जो हैं वो उनके कर्मचारी हैं, और वो जो है वो अन्य संवर्ग की बुला रहे हैं, और अगर हमारी नहीं बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में हम लोगों के लिए एक सौतेला व्यवहार है जो कि उन पर नहीं। आगे की रणनीति यही रहेगी कि यदि 5 तारीख जो हमारी आने वाली है उसमें अगर वो हमारे आदेश बिना किसी महापंचायत बुलाए या महापंचायत बुलाकर अगर जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शंखनाद तो हो ही चुका है, जल्दी भोपाल की सड़कों में हम आपको मिलेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष राजकुमार लोधी ने कहा कि जो हमें नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन देगा हम उसी का ही साथ देंगे। जो कार्यक्रम था पूरे सभी संगठनों का कार्यक्रम था, और निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे जो भी उचित कदम होगा वो उठाएंगे। बता दें कि शिल्पी शिवान वही हैं जिन्होंने 2018 में संविलियन की मांग को लेकर अपने केश कटवाए थे, फिर प्रदेश भर के शिक्षकों ने अपना मुंडन कराया था। संस्कृति ज्वेलर्स तीन बत्ती 18-20-22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास तीन बत्ती सागर।